Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. यदि इलाज या ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर हत्या की धारा लगाई जा सकती है तो इलाज या ऑपरेशन करना अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा? पूछता है भारत। यह वह स्लोगन है जिसे लेकर आज मेरठ के चिकित्सकों ने सुबह से ही अपने क्लिनिकों के शटर डाउन रखे। अब ये शटर कल सुबह ही खुलेंगे। पूर्व में आपातकालीन सेवा भी बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। मेरठ के चिकित्सकों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जबकि इससे पहले उन्होंने आईएमए सभागार में मीटिंग कर दौसा आनंद हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा प्रकरण पर पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर नाराजगी व आपत्ति दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दरअसल डिलीवरी के दौरान महिला की मौत होने के बाद परिजनों के दबाव में आनंद अस्पताल की चिकित्सक अर्चना शर्मा व उनके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इससे आहत डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद चिकित्सकों में भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को लेकर संशय है। यही कारण है कि उन्होंने यह सवाल सरकार से किया है कि यदि इलाज व ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर हत्या की धारा लगाई जा सकती है तो इलाज या ऑपरेशन करना अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। जिलाधिकारी के बालाजी से मुलाकात के बाद फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम को आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रेणु भगत ने यह कहा। तो रेणु जी, ये जो पूरा मुद्दा उठा है महिला की मृत्यु के बाद, उसके बाद उनकी डॉक्टर ने भी अपनी सुसाइड कर लिया है, तो इसके लिए आप सरकार से क्या अपील कर रही है कि क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए या ऐसा कुछ? देखिए, बहुत दुखद घटना है। महिला की मृत्यु होती है, एक साथ दो मृत्यु होती है। महिला की मृत्यु होती है, साथ साथ डॉक्टर को भी मृत्यु को जबरदस्ती करवाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम में खराबी है। चुटभैये नेता आते हैं, समाज की संवेदनहीनता रहती है, ठीक है ना, और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी बिना बात को समझे हुए धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करता है, तो उसके प्रेशर में उसने सुसाइड किया। ठीक है, उसको हम लोग सुसाइड नहीं कहेंगे, हम तो बलिदान कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में फिर लिखा कि डोंट हैरस द इनोसेंट डॉक्टर्स। तो हमारी सरकार से यही मंशा है कि किसी भी तरीके से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी डॉक्टर की बिना इन्वेस्टिगेशंस के किसी भी तरह का धारा में मुकदमा दर्ज ना हो। पुलिस प्रशासन पहले दोनों तरफ की बात सुने और तभी कोई एक्शन ले। बिल्कुल, अभी लेकिन उसके बाद जैसे हड़ताल की एक बात रही कि एक दिन पूरा इमरजेंसी वार्ड बंद रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इससे जो दूसरे मरीज हैं उनको भी परेशानी होगी? केवल रूटीन केसेस और डायग्नोस्टिक सेंटर्स बंद हैं, तो सांकेतिक हड़ताल है। हाँ, थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन इस परेशानी के जरिए ही हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि हम भी समाज के ज़रूरी अंग हैं और हमें भी उतना ही इज्जत और सम्मान चाहिए जितना कि और सबको चाहिए होता है। और एक मुद्दा यहाँ पर यह भी उठा है कि डॉक्टर्स को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में जो निर्दोष डॉक्टर्स होते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, जिनकी कोई गलती नहीं होती, तो उसके बारे में कुछ? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन या नेता लोग इस बात को समझें कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ में है, उनको असिस्ट कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, केवल ठीक से समझने की ज़रूरत है कि वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है और वो अपनी जान लगाकर, अपनी नींद खाना त्याग कर मरीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर अगर पेशेंट को, तो अगर मान लिया मरना है, कॉम्प्लिकेशंस तो नोन है, सब बुक्स में लिखे हुए हैं, तो अगर उसमें डॉक्टर को दोषी ठहराया जाएगा तो आप ये देखिए कि आगे की पीढ़ी तक डॉक्टर्स मिलेंगे कहाँ। वहीं शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विजय बिंद्रा ने इस हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए यह कहा। सर, जैसे कि आपने अभी एक न्यूज़ सुनी होगी, राजस्थान में एक महिला की मौत हो गई डिलीवरी के टाइम पर, और उसके ठीक बाद जब डॉक्टर पे कार्रवाई हुई तो उन डॉक्टर ने, अर्चना डॉक्टर ने भी सुसाइड कर ली, तो इस पर आपकी क्या राय है? दुखद घटना है। देखिए, दुखद, बहुत दुखद घटना है। यहाँ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज को समझना होगा कि इलाज का मतलब 100% सफलता नहीं है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो 100% सफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता, और जिस तरीके की वो रोगी थी, जिस तरीके की वो मरीज थी, ऑलरेडी उसका सिजेरियन हो चुका था, ऑलरेडी उसकी वो डॉक्टर दो बार डिलीवरी पहले भी कर चुके थे, सिजेरियन भी कर चुके थे, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था जिसको कि
जयपुर ऑलरेडी रेफ़र कर दिया गया था, वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर को फ़ोन करके आते हैं कि हम आप ही से इलाज कराना चाहते हैं, यहाँ हम संतुष्ट नहीं हैं। बट उस मरीज में ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था और उस डॉक्टर के अथक प्रयास के बावजूद भी उसको बताया नहीं जा सका और उनको ये सब बातें विस्तार में ऑपरेशन से पहले सब अच्छी तरीके से बता दी गई थी। उसके बावजूद वो अपने मरीज को घर ले जाते हैं, उसके बाद उनको उकसाया जाता है, उसके बाद उनको लोकल नेता हैं वो उनको उकसाते हैं कि आप कंपेंसेशन दीजिए, धरना दीजिए, ये करिए, और वहाँ पर उसको लाकर उनके नर्सिंग होम के बाहर लाश को रख दिया जाता है और हंगामा किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, जब एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मृत्यु हो सकती है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है, सारी बात आपको बता दी गई है, उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन उस औरत पर 302 का मुकदमा करते हैं जिसको कि कहते हैं इरादतन हत्या। इसका मतलब ये कि वो डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए नहीं ले गई थी, वो उनको मारने के लिए ले गई थी। देखिए, डॉक्टर को संरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मृत्यु होंगी, इलाज 100% कारगर नहीं होता। कई बार मरीज ऐसी स्थिति में आता है कि उसको मना करो तो मुश्किल, लो तो मुश्किल, क्योंकि पता है कि ये बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं सफलता नहीं मिलेगी तो आपको असफल डॉक्टर गिना जाएगा, आपको ये गिना जाएगा कि आपने मार दिया, है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को ये समझना है कि आप किस स्थिति में मरीज को लाए हैं, कितना ख़राब स्थिति में उस मरीज को लाए हैं, है ना, उसका रिजल्ट उसके हिसाब से होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।